नमस्कार साथियों, मैं ध्रुव कुमार दीक्षित और मैं कहानियां सुनाता हूं। चलिए आज सुनते हैं एक नई कहानी। एक शाम एक कारपेंटर अपनी दुकान बंद करके घर जाता है। उसी रात दुकान में एक सांप घुस जाता है। सांप बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में, यानी कि खाने की तलाश में वह दुकान में इधर उधर घूमता है। घूमते हुए वह दुकान में रखी धारदार कुल्हाड़ी से छूकर हल्का सा जख्मी हो जाता है। वह सोचता है, वह क्रोध और बदले की भावना में पागल होकर कुल्हाड़ी को ही डसता है। इससे वह और जख्मी हो जाता है और मुंह लुलुहान हो जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। दूसरी चोट से वह और क्रोधित होकर कुल्हाड़ी से लिपट कर उसे डसता हुआ शत्रु जानकर नांग पास लगाता है। इससे उसका सारा शरीर कट जाता है। बहुत घायल होकर वह मर जाता है। सुबह दुकानदार जब दुकान खोलता, वो कुल्हाड़ी से लिपटे हुए एक मरे हुए सांप को पाता। सांप किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद के क्रोध के कारण मरा। कभी कभी हम भी गुस्से में आग बबूला होकर दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं और खुद का नुकसान कर बैठते हैं। जरूरी नहीं कि हर बात पर प्रतिक्रिया दें। क्रोधित होने से पहले देखें कि मामला हमसे संबंधित है भी या नहीं। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे बस में रखना बहुत जरूरी है। अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखें, क्योंकि एंगर में डी जोड़ने पर ही डेंजर बनता है। क्रोध कभी भला नहीं कर सकता, वह केवल विनाश ही कर सकता है और हमें सिर्फ पछतावा मिलता है। साथियों, हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम जाने अनजाने जो बातें हमसे जुड़ी हैं या नहीं भी, बिना सोचे हुए हम उन पर प्रतिक्रिया देते हैं और बहुत सारा अपना समय नष्ट करते हैं। अपना जो समय हम अपने विकास अपनी तरक्की में लगा सकते हैं वो इसी तरह जाया चला जाता है। साथियों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने साथियों मित्रों को जरूर शेयर करें, उनको बताएं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।